नमक, नमक साल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, इससे आप वो कर सकते हैं जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। यह खाने में उपयोग में आने वाली सबसे पुरानी चीज है, इसे दुनिया भर में काम लिया जाता है। दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन टन नमक का उत्पादन होता है, जिसमें से खाने में सिर्फ 6% काम आता है। खाने के अलावा इसका उपयोग जहाँ ज़्यादा बर्फ गिरती है वहाँ हाईवे से बर्फ हटाने में होता है। इसके अलावा वाटर कंडीशनिंग, पानी को हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में बदलना आदि में भी नमक का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं और हम नमक का क्या क्या उपयोग किया जाता है। नंबर एक, सेंधा नमक चट्टानों से निकलता है, इसे व्रत के समय खाया जा सकता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। सेंधा नमक शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। नंबर दो, साधारण लोहे के तवे पर नमक बुरकने के बाद डोसा या चीला बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं, नॉन स्टिक जैसा काम होगा। नंबर तीन, बर्तन से प्याज की गंध आती है तो उसे साल्ट मिले पानी से धोए, गंध मिट जाएगी। नंबर चार, पिसे हुए मसाले जैसे मिर्च, हल्दी, धनिया आदि में नमक मिलाकर रखे, कीड़े या जाले नहीं पड़ेंगे और मसाले खराब नहीं होंगे। 1 किलो मसाले में 50 ग्राम नमक के अनुपात से मिला सकते हैं। साबुत नमक भी डाल सकते हैं ताकि इसे निकालने में आसानी हो। नंबर पाँच, नाली या सीवर से बदबू आती हो तो 1 लीटर पानी में 250 ग्राम नमक मिलाकर इस अनुपात में नमक का पानी बना ले। यह पानी नाले में डालने से बदबू चली जाएगी। सप्ताह में एक बार यह पानी नाले में डालने से उसमें कॉकरोच, मच्छर, मक्खी आदि भी पैदा नहीं होंगे। नंबर छः, बिस्किट में सीलन आकर नर्म होने से बचाने के लिए 1 चम्मच साल्ट कपड़े की पोटली में बांधकर बिस्किट के डब्बे में रखे, सीम नहीं आएगी और बिस्किट कुरकुरे बने रहेंगे। नंबर सात, पानी में साल्ट डालकर पोछा लगाने पर फर्श बैक्टीरिया रहित हो जाएगी। ये प्रयोग वास्तु के हिसाब से भी पॉजिटिव एनर्जी में वृद्धि करता है। नंबर आठ, एल्युमिनियम के बर्तन नए जैसे चमकाने के लिए थोड़ा सा साल्ट बुरक करके बर्तन साफ करने वाला लिक्विड लगाकर साफ करें। नंबर नौ, मोमबत्ती पर साल्ट लगा दे, ज़्यादा देर तक जलेगी। नंबर दस, चीनी मिट्टी के बर्तन नमक मिले पानी से आसानी से साफ हो जाते हैं। नंबर 11, लोहे या स्टील का बर्तन जल गया हो तो नमक से मांजने पर साफ हो जाता है। नंबर 12, सरसों के तेल में बारीक सेंधा नमक मिलाकर मसूरों पर हल्की मालिश करने से मसूरों की बहुत सी परेशानियां मिटती है, दांत का दर्द भी मिटता है, मसूरों से खून आना बंद होता है और मसूरे मजबूत बनते हैं। नंबर 13, टमाटर पिलपिले हो गए हो तो फ्रिज के चिल्ड पानी में नमक मिला ले, उसमें पिलपिले टमाटर थोड़ी देर डालकर रखे, टमाटर सख्त हो जाएंगे। नंबर 14, उल्टी दस्त हो रहे हो तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी में नमक और चीनी मिलाकर लगातार पीना चाहिए। नंबर 15, घर में किसी के बीमार होने पर कमरे में दवा, उल्टी आदि की बदबू मिटाने के लिए पानी में नमक और सोडा मिलाकर इस पानी से पोछा लगाने पर बदबू मिट जाती है। नंबर 16, वाश बेसिन चमकाने के लिए गर्म पानी में नमक मिलाकर इस पानी से धोए, चमक दिखेंगे। नंबर 17, कटहल या लहसुन काटने के पर चाकू और हाथ बहुत चिपचिपे हो जाते हैं, इनको काटने से पहले हाथों पर और चाकू पर नमक लगाने से हाथ और चाकू चिपकेंगे नहीं, बाद में भी नमक हाथों पर रगड़ने से हाथ बिल्कुल साफ हो जाते हैं। नंबर 18, तांबे या पीतल के बर्तन पर हरे रंग के दाग पड़ गए हो तो पानी में नमक और नौसदर मिलाकर इस पानी से रगड़ने पर साफ हो जाते हैं। नंबर 19, नए मोजे पहनने से पहले 1 दिन नमक मिले पानी में डालकर रखे, सॉक्स ज़्यादा दिन तक चलेंगे। नंबर 20, डस्टबिन से गंध मिटाने के लिए उसमें थोड़ा साल्ट डाल दे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को हमारी यह दी गई जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।